प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुंचे और यहां पर उत्तर पूर्व परिषद की 50वीं वर्षगांठ पर स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। मोदी यहां पारंपरिक वेशभूषा में दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही उनकी पूर्वोत्तर के लिए विभाजन की सोच थी और हम विभाजन को दूर करने का इरादा लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अलग अलग समुदाय हो या फिर अलग अलग क्षेत्र, हम हर प्रकार से विभाजन को दूर कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि हमारे लिए पूर्वोत्तर बॉर्डर एरिया या आखिरी छोर नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा भी यहीं से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार भी यहीं से होता है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक देश में ये सोच रही कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा। पहले की सरकारों की इसी सोच के कारण पूर्वोत्तर समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। अब विवादों का बॉर्डर नहीं विकास का कॉरिडोर है। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। राष्ट्र की रक्षा भी यहीं से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार कारोबार भी यहीं से होता है। इसलिए एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को होने वाला है, वो योजना है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा,